तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जो क्रिएटर्स SEO के बारे में बताते हैं उनके वीडियो पर तो लाखों में व्यूज आता है, बट उनके द्वारा बताया गया SEO प्रोसेस जब हम करते हैं तो हमारे वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आती? क्या SEO करने से सच में व्यूज आते हैं? क्या SEO करने से वीडियो रैंक करता है? क्या SEO शॉर्ट वीडियो के लिए भी जरूरी है? और मेन सवाल कि जिन वीडियो में टैग डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई हुई होती है वो वीडियो भी कैसे सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर रैंक करते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी माइंड में आते होंगे, तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SEO वर्क कैसे करता है, और ये जो हमने स्टार्टिंग में सवाल किए थे उनके भी जवाब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि ये SEO किस चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया कब आपकी वीडियो को बूस्ट करती है, मतलब उड़ाती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये SEO क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो देखो, SEO एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी वीडियो को सर्च में रैंक कराने में मदद करता है। इससे आपकी वीडियो को ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। SEO का काम आपकी वीडियो कीवर्ड्स और लिंक्स को ऐसे तरीके से इम्प्रूव करना होता है कि जब लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक या कीवर्ड्स को सर्च करें तो वहां पर आपका वीडियो सबसे ऊपर रैंक करे, यही SEO का काम रहता है। तो अब आपको समझ में आया कि SEO का काम आपकी वीडियो पर सर्च से ट्रैफिक लाना होता है, बट आप इसे कुछ गलत तरीके से समझ लेते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि जिस टॉपिक को लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते हो, उसका SEO करते हो, तो क्या उस वीडियो पर व्यूज आएंगे? नहीं, क्योंकि लोग उस टॉपिक को सर्च नहीं कर रहे हैं तो व्यूज कहां से आएंगे। और आप चिल्लाते हो कि मैंने तो SEO किया था फिर भी व्यूज नहीं आई है, ये SEO सब बेकार है, ऐसे आप चलाते हो। तो अब आप समझ गए होंगे SEO को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो वीडियो हम सर्चेबल टॉपिक पर बनाते हैं वो वीडियो सर्च में रैंक क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उस वीडियो में भी तो SEO करते हैं। तो देखो, सिर्फ SEO करने से वीडियो रैंक करता तो आपका वीडियो भी कब का रैंक करता। बट वीडियो को रैंक कराने के लिए सिर्फ SEO काफी नहीं है, और भी कुछ लगता है जो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फिलहाल हम अपने सवालों की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट सवाल है कि क्या SEO करने से सच में व्यूज आते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपका वीडियो सर्चेबल एंड वैल्यूबल है, लोग एंगेज हो रहे हैं आपकी वीडियो से, जैसे लोग आपकी वीडियो को ज्यादा देर तक वॉच करते हैं, आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो YouTube के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हाँ, ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आ रहा है, ऑडियंस इस वीडियो से एंगेज हो रही है। और इसलिए YouTube पर जब भी कोई इस टॉपिक को सर्च करता है तो YouTube उस वीडियो को सबसे ऊपर रैंक कराता है। अब अगर आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर रैंक कर रहा है तो मैक्सिमम लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, जिससे मैक्सिमम व्यूज आपकी वीडियो पर आएंगे। तो SEO करने से सच में व्यूज आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि क्या SEO करने से वीडियो रैंक करता है? तो इसका आंसर है हाँ। SEO करने से आपकी वीडियो के सर्च में रैंक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि SEO का काम ही होता है वीडियो को रैंक करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ SEO करने से वीडियो रैंक नहीं करता है, SEO के साथ ऑडियंस एंगेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि क्या SEO शॉर्ट वीडियो के लिए भी जरूरी है? तो शॉर्ट वीडियो में आपको SEO करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पर मैक्सिमम व्यूज शॉर्ट फीड से आते हैं। आप मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट वीडियो को सर्च करके देखते हैं, और अगर आप अपने शॉर्ट वीडियो का SEO नहीं भी करते हो तो भी आपका शॉर्ट वीडियो सर्च में रैंक करेगा, वो कैसे? वो जानने के लिए आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन जानना होगा, जो है कि जिन वीडियो में टैग डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई हुई होती है वो वीडियो भी कैसे सर्च में रैंक करते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि YouTube क्या चाहता है। YouTube ये चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके प्लेटफॉर्म पर बिताए, लोग YouTube को छोड़कर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर ना जाए, इसलिए YouTube अपने व्यूवर्स को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। अब YouTube का एल्गोरिथम कोई इंसान तो है नहीं जो ये देखकर बताए कि ये वीडियो अच्छा है या बुरा है, इसे रैंक कराना है या नहीं कराना है। तो इसमें YouTube का एल्गोरिथम ये देखता है कि किस वीडियो को लोग ज्यादा देर तक वॉच कर रहे हैं, किस वीडियो से व्यूवर्स एंगेज हो रहे हैं। अगर व्यूवर्स आपकी वीडियो को ज्यादा देर तक वॉच करते हैं, आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मतलब आप वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो, और YouTube को ऐसा ही कंटेंट चाहिए रैंक कराने के लिए। और वही अगर व्यूवर्स आपकी वीडियो को कम टाइम तक वॉच करते हैं, ऑडियंस एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, मतलब आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, व्यूवर्स आपकी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो YouTube उस वीडियो को रैंक ही नहीं करेगा। YouTube को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगाते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका वीडियो ऑडियंस को कितनी देर तक उसके प्लेटफॉर्म पर रोक के रखता है। तो अब आपको समझ में आया कि जिन वीडियो में टैग डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई हुई होती वो वीडियो सर्च में कैसे रैंक करते हैं, क्योंकि उन वीडियो पर ज्यादा वॉच टाइम आता है, लोग उन वीडियो को ज्यादा देर तक वॉच करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वॉच मीन्स वैल्यूएबल कंटेंट मीन्स व्यूअर लाइक वीडियो, और इसलिए YouTube उन वीडियो को सर्च में रैंक कराता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें SEO करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी वीडियो पर कम वॉच टाइम आ रहा है पर उस टॉपिक की मार्केट में डिमांड है, तो आपका SEO वहां पर वर्क कर सकता है। तो कुछ इसी तरह से वर्क करता है YouTube का SEO। तो इसलिए बस आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना है, उसे अच्छा और वैल्यूएबल बनाना है। अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो वो बिना SEO के भी सर्च में रैंक करेगा, लोग बिना आपके बताए आपकी वीडियो को लाइक करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियो को शेयर करेंगे, तो इसलिए बस आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है यूट्यूब का SEO, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको किसी अदर टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।